15 लाख? ये क्या कह रहे हैं आप? जो अभी आपने कहा 15 लाख। अरे लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे आपको देने के लिए? अरे पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना, और आपने तो बोला था कि हम आपका इंश्योरेंस है। हाँ लेकिन हमें क्या पता था कि आप इतना बड़ा क्लेम कर देंगे। और 15 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती यार, मतलब मोटी मोटी रकम है। ऋषि भाई साहब, आपने ना हमारा नमक खाया हुआ है, और नमक का कर्ज ना अदा करना होता है। दूध का कर्ज होता है भाई। हाँ तो आप घर चल के दूध वाली चाय पी लो ना यार। क्या बात कर रहे हो यार। अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर वर्मा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए। हम सब समझ रहे हैं, हमें भी पता है, रोटी हम भी खाते हैं। हाँ। हम भी खाते हैं, पर गेहूं की, सोने चांदी की नहीं। अरे भाई साहब, उस दिन आप ही कह रहे थे ना कि आपके पास सेविंग है, बचत हो रही है घर में, पैसे तो आप लोगों के पास है, लेकिन क्या है ना हमारे पर भरोसा नहीं है, बस नीयत नहीं है आपकी देने की। अरे वो हमारी सेविंग्स है, हमने बैंक में रखी है, आपको कैसे दे दें? और उल्टा बैंक तो हमें इंटरेस्ट देता है उस पर। एग्जैक्टली। अच्छा आप बताइए कितना इंटरेस्ट देता है बैंक आपको? 6%। भाई साहब मैं आपको 1% देता हूँ। वाह, यू मेड इट ऋषि, यू मेड इट रेनी। बेवकूफ हूँ मैं, बैंक का 6% छोड़ के आपसे 1% लूँ? भाई साहब 1% एक महीने के हिसाब से, यानी के पूरे साल का हुआ 12%, यानी के जो बैंक आपको दे रहा है उससे दुगना मैं दे रहा हूँ। वाह। और सुनिए, 6 महीने में आपका पूरा का पूरा पैसा वापस, और अगर 6 महीने से पहले भी पैसा वापस दे दिया तब भी 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट दूंगा मैं आपको, बताओ। ओके, पर बैंक में तो हमारे पैसे सेफ हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आपसे लोन वापसी होगी? भाई साहब यही सुनना बाकी रह गया था। बाहर ना वो मेरे मकान के बाहर जो पट्टी लगी हुई है मेरे नाम की, पर भरोसा तो है ही नहीं है, पैसा लेके भाग जाऊंगा मैं। भाभी जी एक काम कीजिए, आप मिसेस वर्मा के जितने भी जेवर हैं वो अपने पास रख लीजिए एज एन सिक्योरिटी फॉर दिस लोन, ठीक है? फिर तो आपको भरोसा हो जाएगा ना, अब ज़्यादा बात नहीं होगी। ऋषि भाई साहब 4-5 दिन का टाइम है आपके पास, देना तो दे देना, नहीं तो मार्केट में बैठे हैं कोई ना कोई पैसा तो दे ही देगा, ठीक है जी? और एक चीज़ और, कैसरोल भी भिजवा देना, और खाली मत देना प्लीज़। कमाल है यार, ये हमारे पैसे मांगने थे कि अपने? भैया वो लोग तुम लोगों को खाना नहीं दाना डाल रहे ताकि बखत आने पे हलाल कर सकें। प्यार प्यार करते करते व्यापार पे आ ही गए वर्मा। मैं ही गधा हूँ। क्या कह रहे भैया? मैं कह रहा हूँ मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि मेरे पास सेविंग्स हैं। पापा सही कहते हैं कि बेटा 10 रुपए हो ना तो लोगों को बोलो कि 1 रुपया है तुम्हारे पास। और भैया बाकी के 9 रुपया? अरे जब लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके पास एक्स्ट्रा 9 रुपए हैं तो उस 9 रुपए के पीछे ही आते हैं। यार मैं ये सोच रही हूँ ऋषि कि हमें वर्मास को 15 लाख उधार नहीं देने चाहिए। 15 लाख उनको देने के बारे में सोचने का भी मत सोचना। अरे आई एम सेइंग कि उन्हें इंस्टेड 25 लाख देकर उनके बिजनेस में उनसे इक्विटी मांगनी चाहिए। इक्विटी का होता है? सी बेबी, इक्विटी इन बिजनेस इज लाइक अ पाई ईटिंग बोनांजा, but each investor wants a slice of the pie. Now your portion of the pie depends on your stake in the company. So roll up your sleeves and get ready to dig in. Because in this pie-centric world, everybody wants a taste of the pie. Oh, ye samajh gaye. Kya? Kya samjhi? Je ke har kisi ko apne paise ki pie jama karke rakhni chahiye. Ab ye jiji ko samjhao. जी उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, वर्मास को 25 लाख रुपए देना चाहती है। अरे आई एम टेलिंग यू, मैंने मार्केट स्टडी किया है, इस वक्त स्पाइस का जो मार्केट है ना इंडिया में, इट्स एट 90,000 crores, और 2030 तक इट्स एक्सपेक्टेड टू रीच 2 लाख crores। 25 लाख बोल के करोड़ों की बातें कर रही हो? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे पता है मार्केट में दम है, तुम्हें पता है प्रोडक्ट में दम है, और वर्मास में भी दम है, वो तुम लोगों की नाक में दम कर दे। अरे ऋषि लिसन, उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इतने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं यार, इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। आई मीन कुछ सोच समझ के अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होंगे ना, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, पर मैं ऐसे नहीं मानूंगा। आई नीड टू सी देयर बिजनेस प्लान, दे हैव टू गिव अस अ प्रॉपर पिच। व्हाट वी डू हियर इज गो बैक 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 हां तो ऋषि भाई साहब, एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा, I'm not anybody's भाई साहब, I'm a shark. रिश्ते निभाने हैं तो टंकी के बाहर निभाइएगा। हाँ तो शार्क भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अरे तुम्हें तो पूछ में नहीं बता में आए हो। अब जी, अरे जो तू याद करके आई है बता ना यार। जी
हमारी बिजनेस की करता धरता है मुनाफा जी। ओह मुनाफा जी, इट्स अ बिट गिमिकी बट आई लाइक कि आप प्रॉफिट को इतनी इज्जत दे रहे हैं। नहीं, मुनाफा जी हमारे दादाजी का नाम था जी, जिन्होंने ये मसालों का व्यापार जो है वो शुरू किया था, और ये मसालों के चक्कर में जी दादाजी ने ना चार शादियां की। स्पाइसी दादाजी हैं? क्या कहा जी? नहीं, ये स्पाइसी से दादाजी का क्या लेना देना? और दादाजी ने चार शादियां जरूर की, लेकिन उन्हें चरम सुख ही नहीं मिला। क्या? परम सुख? हाँ, उन्हें परम सुख नहीं मिला, वो टेस्टी और मजेदार खाने का सुख वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ना तंग आकर अपने मसालों का धंधा शुरू कर दिया। और पिछले 50 सालों से हम अपने मसाले दूसरे ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे हैं, और अब हम दादाजी का परम सुख पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं। अपने ब्रांड के जरिए मसाला दे दो। जाओ घर। अरे बेबी, उनके मसाले का नाम है मसाला दे दो, देखो डब्बे पे लिखा है। अच्छा, आप लोगों की एक्सपर्टीज क्या है? एक्सपर्टीज वो क्या होता है? अरे एक्सपर्टीज, जैसे मेरी एक्सपर्टीज है गिफ्टिंग, ऋषि की है एडवर्टाइजिंग, बेबी की है बहाने मारना, वैसे आपकी भी तो कोई एक्सपर्टीज होगी। हम बनाने में एक्सपर्ट है। हाँ जी, इनका कहने का मतलब है कि हम धंधा बनाने में एक्सपर्ट हैं, और ये मसालों का धंधा तो अब रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर किसी को मसाला चाहिए, चाहे बातों में, फिल्मों में, लाइफ में या खाने में। हर जगह मसाला चाहिए। Tell me about your numbers, Mr. Verma. जी, मोबाइल नंबर तो आपको पता ही है, और ऑफिस का नंबर लिख लो जी आप, 0223। फिगर्स, बिजनेस फिगर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो भाई साहब, मैंने ना आपको जो पंपलेट दे रखा है ना, उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। वो क्या है ना, हम अपने बिजनेस के फिगर ना सबको बताते नहीं है ऐसे पब्लिकली, क्या होता है नजर लग जाती है। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट 15 लाख है, लेकिन हम आपको 25 लाख देने के लिए तैयार हैं फॉर 10% इक्विटी इन योर कंपनी। जी, 10% इक्विटी तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। काउंटर दीजिए। काउंटर तो जी फैक्ट्री में रखा हुआ है, आपने बोला ही नहीं लाने को, नहीं तो मैं ले आता काउंटर। काउंटर ऑफर दीजिए। तो शार्क्स, हमारा ऑफर है 25 लाख के बदले में 5% इक्विटी हमारी कंपनी में। इनकी वैल्यूएशन मेरी कैलकुलेशन से मैच नहीं करती, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सुना नहीं तुम लोगों ने भैया ने काका आउट। थैंक यू शार्क्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। सार्क, हम जी कह रहे थे कि खाने में कहाँ बना है। मैं घर पे नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खाऊंगा। आई एम आउट। लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते हैं, और हमारे घर खुद चल के अपॉर्चुनिटी आई और तुमने उसे ही भगा दिया। क्या डिफरेंस था 7 और 8% में? 1%। 1% दिमाग भी अगर यूज किया होता ना, तो 1% के लिए डील कैंसिल नहीं करते। यार, उन लोग ने ही चिंदीगिरी चालू किया। हाँ तो चिंदी है, तभी तो दे आर द परफेक्ट एंटरप्रेन्योर्स। जरा सोचो, तुम 7 और 8% को लेकर इतना सोच रहे थे, वो तो 93% इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। और वर्मास को तो तुम जानते हो, पैसा उनके लिए जान से ज्यादा प्यारा है, एक एक रुपया सोच सोच के खर्च करते हैं, लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा होगा। तुमने कब सोच लिया? अरे चोपड़ास के खून में है बिजनेस। बहल्स के खून में माइंड योर ओन बिजनेस है। That's why I was minding my own business. ठीक है, मान लो आगे चल के इनकी कंपनी 100 करोड़ की हो गई, तो उसमें हमारा शेयर होता 7 करोड़। लेकिन तुमने घर आई लक्ष्मी को बोल दिया आई एम आउट। ठीक है, मैं बात कर लूंगा फिर वर्मा से। अरे अब तो वो 7% भी नहीं देगा। अरे वो देगा, तुम्हें धंधे की समझ है, मुझे बंदे की समझ है। यू वेट एंड वॉच माई मैजिक, वॉच, कॉल हिम राइट। हाँ वर्मा जी, अरे सुनो मेरी बात। All done. क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हो गया, तुम ऐसे ही मुझे underestimate करती हो। सब सेट कर दिया मैंने, मसाला दे दूं मैं 5% ले लिया। 5%? हाँ 5% यार।
5% कम नहीं होता रोहिणी, कल को कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ होगी तो अपनी कितनी हो जाएगी? 50 करोड़। मैं 70 करोड़ हो सकता था ना, तुमने 20 करोड़ का नुकसान करा दिया। रोहिणी माय लव, बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसे बड़े बड़े लॉसेस होते रहते हैं, वी गॉट टू गेट यूज्ड टू इट यार। अब टाटा अंबानी बिरलाज में बहल चोपड़ास हमारा नाम आएगा यार। जान की शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड नाचेगा, और पता है गेस्ट ना बस में नहीं रोल्स रॉयस में जाएंगे। अरे वर्मा जी आइए आइए, क्या हाल है? बढ़िया है बढ़िया ऋषि भाई साहब, और सुनाइए पेपर वर्क वगैरह रेडी पार्टनर? मैं आपको ये देने आया था। ठीक है, आपका रिटर्न। रिटर्न कितना? 25 लाख। 25 लाख एक हफ्ते में? कौन से मसाले बेच रहे हो भाई, कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा ना? अरे भाई साहब ये आपका दिया हुआ चेक है, मैं आपको रिटर्न देने के लिए आया था। क्यों? अरे ऋषि भाई साहब आपने वो जो शार्क टंकी वाली हमारी रिहर्सल कराई थी ना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हमने असली वाले शार्क टैंक में पिच कर दिया, और किस्मत की बात देखो वहाँ से मैं कॉल भी आ गया। अब ये 25 लाख का मैं क्या करूँगा, अब तो वहाँ पर जाके करोड़ रुपये की फंडिंग उठाऊँगा और अपने ब्रांड मसाला दे दो को लोकल से ग्लोबल बनाऊंगा। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बाय। अरे ये तो हमारे सपनों पर मसाला फेर के चला गया। कोई नहीं, 6% भी बुरा नहीं होता। कौन सा 6%? अपने बैंक का 6%।